लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई पहुंचने वाले हैं। मुंबई में उनका भव्य रोड शो होने वाला है। पीएम मोदी का रोड शो मुंबई के घाटकोपर इलाके में शाम 6 बजे के करीब शुरू होगा। जिस इलाके में पीएम मोदी का रोड शो है, ये उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और यहां से बीजेपी के मिहिर कोटेचा उम्मीदवार हैं। तो एक भव्य रोड शो होने वाला है जिसमें मुंबई को वो कवर करेंगे। पांचवें चरण को लेकर पीएम मोदी मुंबई पहुंचने वाले हैं, तो और एक बड़ा कार्यक्रम उनका होने वाला है मुंबई के घाटकोपर इलाके में। ये शाम को 6 बजे होगा। उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा सीट के अंतर्गत ये सीट आती है। हमारे साथ संवाददाता सौरभ पांडे हैं, उनसे जरा जानकारी लेते हैं। आज सौरभ, पीएम का रोड शो अब कितने बजे निर्धारित है? लोगों में रोड शो को लेकर कितना उत्साह नजर आ रहा है? कहां कहां से रोड शो गुजरेगा ये? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पीएम मोदी के रैली की, तो ये चुनाव घोषित होने के बाद और नामांकन भरने के बाद जो है ये पहला रोड शो होगा पीएम मोदी का मुंबई में। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के घाटकोपर इलाके में। मेरे राइट हैंड साइड में आपको दिखाना चाहूंगा, घाटकोपर का दामोदर पार्क है, यहाँ से पीएम मोदी की एंट्री होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर रैली की शुरुआत की, तो ये जो है ये पॉइंट ऑफ स्टार्ट है जहाँ पर पीएम मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज को माल्यार्पण करके जो है इसके बाद रैली की शुरुआत करेंगे। आपको अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो रैली है ये करीब 3 किलोमीटर के रास्ते की होगी और यहाँ पर करीब 7 पड़ाव होंगे जहाँ पर मोदी जी को जो है स्वागत किया जाएगा। और इसके अलावा हम देख पाएंगे कि उनके स्वागत में यहाँ पर लोक कार्यक्रम और नाट्य कार्यक्रम जो है वो भी यहाँ पर देख पाएंगे और जो सांस्कृतिक कलाएं हैं वो भी, उनका भी इंतजाम जो है यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा मेरे पीछे जो है हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर सभी जो फैंस हैं, जो सपोर्टर है, वो पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस रैली के लिए जो है कई तरीके से जो है मुंबई पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी, जिसमें ऑल्टरनेट रास्ते जो है वो भी बताए गए हैं, ऑल्टरनेट रास्ते। इसके अलावा कौन से रास्ते बंद होंगे ये भी जो है वो दर्शाया गया है। अगर ऑल्टरनेट रास्ते की बात की जाए तो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, अंधेरी कुर्ला रोड, साकी कुर्ला रोड, MIDC सेंट्रल और JVLR जैसे रोड जो वो हैं वो इसमें शामिल है। इसके अलावा अगर बात की जाए सपोर्टर्स की, तो बड़े नंबर में सपोर्टर्स की उम्मीद की जा रही है। हम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर जो है आते हुए दिख रहे हैं। चाक चौबंद सुरक्षा जो है वो बड़े लेवल पर की गई है। ये रैली जो है एक तरीके से ये दर्शाता है कि महायुति के लिए जो है पीएम मोदी जो है यहाँ पर आज रैली कर रहे हैं। इस जो रैली से है वो सिर्फ एक सीट के लिए नहीं होगी, लेकिन जो गुहार है वो मुंबई की जितनी भी 6 की 6 सीटें हैं उनके लिए जो है एक तरीके का मोदी जी जो है यहाँ पर रैली कर रहे हैं। और इसी की तरह से जो है अपना पावर जो होगा, पावर, वर्चस्व की जो पावर होती है वो हम यहाँ पर इस रैली के माध्यम से देख पाएंगे। और इसी रैली के भरोसे जो है हम ये भी देखेंगे कि किस तरह का जो है संदेश पीएम मोदी जो है जो इंडिया अलायंस है उनकी तरफ से उनकी तरफ देंगे। इसके अलावा और कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर उम्मीद की जा रही है कि मोदी जी जो है भाषण देंगे, लेकिन अभी की जो तैयारी है वो ये है कि आने वाले कुछ ही समय में करीब बताया जा रहा है कि 6 बजे जो है रैली की शुरुआत होगी। पीएम मोदी आएंगे, यहाँ से एंट्री पॉइंट शुरू होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद माल्यार्पण करने के साथ ही जो है रैली की शुरुआत होगी। रैली आगे बढ़ते हुए जो है घाटकोपर इलाके में 7 पड़ाव क्रॉस करेगी। इसके बाद जो है एक एंड पॉइंट होगा जहां पर हम जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी सपोर्टर्स हैं, उनको हम देख पाएंगे मोदी जी के साथ, और वो उनके साथ किस तरह का जो है संदेश और संवाद करते हैं वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि इस बार अभी जो लड़ाई होगी वो ना सिर्फ शिवसेना और कांग्रेस की होगी बल्कि महायुति की होगी। एक तरफ जो है शिंदेगढ़ की शिवसेना है, दूसरी तरफ उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है। विचारधारा जो है अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन संदेश जो है तो अलग अलग, जैसा बता रहे हैं सौरभ, अलग अलग विचारधाराओं के बीच, अलग अलग पार्टियों के बीच बीजेपी अपना दमखम दिखाने को पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस काफिले का चेहरा रहेंगे। और 6 बजे अब से थोड़ी देर के बाद घाटकोपर से इस रैली की शुरुआत होगी और पूरा कार्यक्रम बताया, तस्वीरें दिखाई हमारे से होगी सौरभ पांडे ने। धन्यवाद करेंगे सौरभ ताजा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से।